जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो अयोध्या है ये राम जन्मभूमि है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, ये तो कब्जा करने के लिए झूठी कहानी है। अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करें कि हमारे देश में एक परंपरा है जहां महिलाएं बहुत संख्या में है, तो महिलाओं को जल्दी से बात समझ में आ जाएगी कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के बाद जब पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो वो पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर आती है। बराबर है, आती ही नहीं आती, सारे देश भर में आती। मैंने मुसलमानों को भी पूछा, मौलाना मुसलमानों को पूछा कि क्या आपके यहाँ भी आती? हाँ हमारे यहाँ भी आती है। तो मैंने मुसलमानों को कहा आपके यहाँ क्यों आती है आपको पता है? कहा कि आप धर्म से मुसलमान हैं मगर नेशनैलिटी से भारतीय है। हमारे बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है, हमारे लोग ज्यादातर इमोशनल बहुत ज्यादा है, भावनिक ज्यादा है, इसलिए बात आपको समझा रहा हूं। ये मुस्लिम जो है ये कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है, ये जो बिहार है ना बिहार, ये बिहार से बिहार बना, बिहार शब्द से बिहार बना। वो सारा एरिया जो है बंगाल तक वो सारा का सारा बुद्धिस्ट था, तो ये सारे मुस्लिम लोग जो है ये सारे बुद्धिस्ट लोग जो है मुस्लिम बने। कितने लोगों को पता है? मालूम होना चाहिए ना। अच्छा, तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया, तक्षशिला कहाँ पता है? पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में। तो तक्षशिला पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि सारा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था, सारे अफगानिस्तान तक की भूमि ये बुद्धिस्ट भूमि है। जरा आप थोड़ा अशोकाकालीन नक्शा देखो, भारत का जो नक्शा है थोड़ा अशोककालीन नक्शा देखो। ये सारी भी बातें बाबा साहब जानते थे, मगर हमारे नेता लोग जो है वो हमारे नेता लोग हमारे लोगों को कुछ बताते नहीं है, बोलते इनको बताने से क्या फायदा है, क्यों फायदा नहीं है? अरे सब लोगों को सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, पता नहीं कब कौन से जानकारी का हमारे लोगों के लिए फायदा हो जाए, छुपा के रखने से थोड़ी फायदा होता है। तो इसलिए खास बात के तौर पर बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जो महिला अपना बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर आती है, तो उसी तरह से रामायण जो लिखा हुआ है, रामायण में दशरथ के पत्नी का नाम है कौशल्या, कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम है राम। अगर कौशल्या के प्रथम पुत्र का नाम राम है तो वो भी भारत की मूल निवासी है, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश में गई होगी जो बिहार में है, उसका पहला बच्चा है राम, तो पहला बच्चा पैदा करने के लिए वो कौशल देश गई होगी, क्योंकि अयोध्या कौशल्या की ससुराल है। मैं कहा तो है नहीं, मैंने पंडितों को सवाल किया वहां जाकर, मैंने कहा पंडितों वामन मेश्राम का एक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदगी भर जवाब दे सकोगे, मेरे सवालों का अभी तक कोई जवाब पंडित देता नहीं है, अभी आप लोगों के विचार के लिए बता रहा हूं कि जिस तरह से भारत की हर लड़की शादी होने के बाद अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए अपनी माँ के घर जाती है, उसी तरह से कौशल्या का ससुराल था अयोध्या, तो वो भी अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए कौशल देश गई होगी, और अगर गई होगी तो राम का जन्म अयोध्या में कैसा हुआ? समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, समझाने पड़ेगा भाई, समझाना पड़ेगा, औसत बुद्धि के आदमी को समझ में आ जाए। मुसलमानों को तो बोला ना मेरी बात इतनी पसंद आई, एकदम सही है ये, आप सुप्रीम कोर्ट को बताओ। अभी मैं सोच रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखता हूं, क्योंकि चर्चा चल रही सुप्रीम कोर्ट में,
तो हम दावा पेश कर देते हैं ये तुम्हारा राम जन्मभूमि नहीं है, ये बुद्ध भूमि है, राम जन्मभूमि नहीं है। मुसलमान और हम आपस में बैठ के तय कर लेते, तुम बीच में मत आओ। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।